जब हमने डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को पढ़ना शुरू किया था बाय एंड ऑफ द क्लास द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वी सॉ वाज इंसर्ट स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट हमने कल देखी थी. ये स्टेटमेंट क्या करेंगे? टेबल कौन सा है? कस्टमर डी टेबल है. वैल्यूज कौन सी इंसर्ट कर रहे हैं? यहाँ पे ई वैल्यूज आर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द टेबल्स. लेकिन हमने इसमें पहला कॉलम नहीं डाला. क्या वजह है? क्यों नहीं डाला था? दैट इज ऑटो इंक्रीमेंट. आप उसमें इंसर्ट करेंगे तो इट विल गिव यू एरर. उसके बाद की सारी वैल्यूज हमने डालनी है एक सीक्वेंस में. सीक्वेंस से फॉलो करना जरूरी है. In case you don't want to follow the sequence or you want to skip some values, तो जो जहाँ null values allowed हैं, those can be skipped. Those values can be skipped. या sequence आगे पीछे करना चाहते हैं तो ये भी है कि आप insert include के में पहले आप columns के नाम दे दें. Columns के नाम बता दें जब उसी sequence में values कीवर्ड यूज करके ट्रैकिंग के अंदर पे आ जाएंगे. देन देन दी वैल्यूज कुड बी मैचिंग विद द कॉलम सीक्वेंस. इसमें तो वैल्यू स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो के इसमें नाल में लाओ गया दैट कैन बी स्किप. चेक कंस्ट्रेंट क्या कर रहा होता है? इससे बाहर कोई वैल्यू नहीं डाल सकते. जो वैल्यू आप चेक में डालती है कंस्ट्रेंट में सीन में जो वैल्यू भी डाल सकते हैं. हमने कोई वैल्यू डालने यहां पे चेक ही डाल दिया उसी में इंक्लूडेड है. तो बाहर से कोई वैल्यू नहीं डाल सकते. तो ये दो स्टेटमेंट्स हमने कल देखी थी. अब हम आगे चलते हैं. We can insert data from an other table. आप अज्यूम करें कि एक टेबल हमारे पास ऑलरेडी चेरी प्रोडक्ट टी के नाम से एक टेबल है जिसके अंदर हमने डेटा एक और टेबल से डालना है. दूसरा टेबल का नाम है प्रोडक्ट आई डी. प्रोडक्ट टी से हमने टेबल ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ है. ब्लैंक भी हो सकता है और उसमें ऑलरेडी कुछ डेटा हो भी सकता है. तो एक और टेबल है. तो अब हम एक क्राइटेरिया लगा रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे हम क्या करें, एक वी आर यूजिंग अ क्राइटेरिया. क्राइटेरिया ये है कि चेरी जो प्रोडक्ट टी टेबल है इसके अंदर वो रोज जिनमें प्रोडक्ट फिनिश चेरी है सिर्फ वो डेटा उठाए और वो चेरी प्रोडक्ट टी में डाल दे. यानी इट इज अ सबसेट टेबल ऑफ प्रोडक्ट टी जिसमें सिर्फ चेरी प्रोडक्ट फिनिश चेरी का डेटा हमने कॉपी कर दिया. तो इसमें जो टर्म यूज हो रही है इनटू की एक कीवर्ड यूज हो रहा है. पिछली जो कमांड थी उनमें इनटू का कीवर्ड नहीं था. देखें तो इंसर्ट इनटू हाइंटू है लेकिन आपने फ्रॉम ये सेलेक्ट फ्रॉम कीवर्ड नहीं था. इसके अंदर सेलेक्ट फ्रॉम कीवर्ड आ रहा है जिसमें हम जहां से उठाना है हमने डेटा. तो ये चीज इसमें आ रही है इस इंसर्ट में. तो इट इज अ वेरिएशन ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, इसमें वैल्यूज कीवर्ड यूज नहीं हो रहा. तो ऑब्वियसली इनका दोनों टेबल का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए तभी ये कॉपी करेगा रोज को. एनी क्वेश्चन? दो टेबल्स के नाम आ रहे हैं, एक में एक से डेटा उठाना है और दूसरे में डेटा को डालना है. बैच इनपुट्स. कई दफा आपको एक्सेल शीट से या बाकी कोई डेटा शीट्स होती हैं जैसे आप
एआई में काम कर रहे हैं तो डेटा आपको पड़ा होता है, सीएसवी फाइल्स होती हैं आपके पास, तो कई दफ़ा आप वहाँ से डेटा आपको इंसर्ट करना होता है। देन यू कैन यूज, अगर ओरेकल में काम कर रहे हैं तो एसक्यूएल लोडर का एक कमांड होती है और एसक्यूएल सर्वर में बल्क इंसर्ट की एक कमांड होती है जिसे आप यूज कर सकते हैं। ये एग्जांपल देखें, बल्क इंसर्ट और टेबल का नाम देना है आपने, जिस टेबल में आपने इंसर्ट करवाना है। देन फ्रॉम, आपने एक सीएसवी फाइल का पाथ दे दिया है, सीएसवी फाइल का नाम है डेटा फाइल डॉट सीएसवी, और विद, अब उसकी जो सीएसवी फाइल का स्ट्रक्चर है वो आप थोड़ा सा बताएंगे, फील्ड टर्मिनेटर्स कॉमा एंड रो टर्मिनेटर बैक स्लैश एन। फील्ड डिलिमिटर क्या, डिलिमिटर क्या होता है, फील्ड डिलिमिटर क्या होता है, रो डिलिमिटर क्या होता है? सीएसवी फाइल का स्ट्रक्चर देखा होगा, यस सर। तो वही स्ट्रक्चर है आपने बताया है, डिलीमिटर आपके कोई डिफरेंट और फाइल खानी है जिसके कई दफा डिलीमिटर टैग होते हैं, कई दफा डिलीमिटर स्पेस होती है, जो भी डिलीमिटर है दैट कैन बी एडजस्टेड, दैट कैन बी एडजस्टेड, इट इज स्पेसिफिकली फॉर सीएसवी फाइल। तो आप क्या करेंगे, सीएसवी फाइल से आपने डेटा इस तरीके से उठा सकते हैं, अगर कोई डेटा लोड करने में कोई एरर आएगी तो आप लॉग फाइल का भी रेफरेंस दे सकते हैं, तो लॉग फाइल में जो भी एरर का मैसेज होगा दैट विल आल्सो बी स्टोर्ड। आखिरी चीज़ है फर्स्ट रो टू, आमतौर से होता है कि सीएसवी फाइल में जो पहली रो होती है उसमें कॉलम्स के नाम लिखे हुए होते हैं, ऐसे ही है, कॉलम के नाम लिखे होते हैं, वो आप स्किप करना चाहते हैं कि कॉलम के नाम कॉपी ना हो, तो फर्स्ट रो टू का मतलब है कि डेटा जो है रो नंबर टू से ऑनवर्ड उठाना है, कॉलम की हेडिंग को एज अ डेटा कॉपी नहीं करना, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो सी एस वी फाइल का स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी मैचिंग विद योर डेस्टिनेशन टेबल, उसमें ऑलरेडी कॉलम के नाम होंगे, तो आप रो टू से ऑनवर्ड डेटा उठा रहे हैं। सो दिस हाउ यू कैन यूज बल्क इंसर्ट कमांड बाय कॉपिंग डेटा फ्रॉम एनी अदर फाइल। Coming on to a delete statement, you can delete data based on some criteria or without any criteria. तो इसकी अगर कीवर्ड देखेंगे, delete from कौन सा टेबल है, टेबल का नाम आ गया, where state is equal to hi, तो ये criteria है, तो इससे क्या होगा, इस क्राइटेरिया से क्या होगा, स्टेट क्या चीज है, स्टेट इज अ नेम ऑफ कॉलम, स्टेट इज नेम ऑफ कॉलम, उस कॉलम में वो रोज जिनमें वैल्यू एच आई है वो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी, स्टेट कॉलम में वो रोज जिनकी वैल्यू एच आई है वो सारी रोज डिलीट हो जाएगी, सो देयर इज अ क्राइटेरिया, सारा डेटा डिलीट नहीं होगा, अगर पूरा टेबल ही खाली करना चाहते हैं इट्स इवन सिंपलर, आप सिंपल लिखें डिलीट फ्रॉम कस्टमर, आपका पूरे का पूरा डेटा उड़ जाएगा, इट्स अ डेंजरस कमांड, छोटी सी कमांड है लेकिन आपका डेटा बढ़ाने में बड़ी तेज है, सो इट इज क्वाइट टू बी यूज विद कॉशन, यू जस्ट गिव नेम ऑफ टेबल, नो क्राइटेरिया, इट मीन्स दैट ऑल द rows will go will be deleted। अच्छा, अब हमने insert की command देखी, delete की command देखी, next important command is update command। update command क्या करती है, अगर values change करनी है आपने, previous value होगी उस value को override करना है, so for this purpose you use update command। अब यहाँ पे देखें करना क्या चाह रहे हैं हम, for product
आईडी टेबल चेंज द वैल्यू ऑफ यूनिट प्राइस कॉलम वैल्यू टू 775 फॉर प्रोडक्ट आईडी 7। तो प्रोडक्ट आईडी 7 जितनी भी रोज में आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी 7 जितनी भी रोज में आ रहा है, उन सब का जो वैल्यू यूनिट प्राइस कॉलम की वैल्यू है दैट शुड बी चेंज टू 775। देखते हैं कितने कॉलम में आ रहा है। लेट्स अब ये देखिए, जैसे ही मैं क्यूरी विंडो खोलता हूं तो जो जो सिलेक्टेड डेटाबेस होती है वो यहां पे आ रहा होता है विंडोज में। अब देखें इसकी सिस्टम डेटाबेसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई डेटाबेसेस आपने डाली हुई है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंस आई वांट टू डू सम माय ऑपरेशन ऑन पीवीएफसी तो मैंने ये कर लिया। अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो मैं यूज करके उसको सिलेक्ट करवा सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो देन आई यूज, मैं यूज नहीं भी करूं तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यूज पाइन वैली और नीचे फिर मैं लिखता हूं गो। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको, यहां पे देखिए पाइन वैली सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो यूज का मकसद ये होता है कि वो डेटाबेस आपने अगर आपकी करंट नहीं है तो वो करंट हो जाए। तो आई कैन यूज पीवीएफसी। हैंग हो गया। अच्छा जी, यूज यूज पीवीएफसी हो गया। अच्छा, अब मैं जो है कौन सा टेबल था, प्रोडक्ट टी, प्रोडक्ट टी को जरा खोल के देखते हैं, थोड़ा इसको हम एनालाइज करते हैं। Select star from product T। तो ये product T के अंदर जो values पड़ी हुई हैं वो आ गई हैं। अब हम कहते हैं जी जो product ID 7 है, product ID 7 जो है ये रो है, इसमें फॉर एग्जांपल वैल्यू 800 पड़ी हुई है, तो अगर मैं ये अपडेट कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो इसकी वैल्यू 775 हो जानी चाहिए। अपडेट प्रोडक्ट इज सेट यूनिट प्राइस 775 वेयर प्रोडक्ट आईडी इज 7। अच्छा जी, क्या कह रहा है, इन कॉलम इनवैलिड कॉलम नेम, इसको हम देख लेते हैं यूनिट प्राइस का नाम क्या था, दोबारा उसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट टी, इसको सिर्फ मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो सिर्फ ये वाली लाइंस एग्जीक्यूट होगी। तो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस नाम है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ यूनिट प्राइस लिखा हुआ है इसलिए वो एरर आ रहा है। तो मैं प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस अगर लिख दूँ यहाँ पे तो इट शुड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस, ये मुझे कॉन्टेक्स्ट हेल्प आ रही होती है, सेट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस इक्वल टू 775 फ्रॉम प्रोडक्ट टी टेबल। अब मैं सिर्फ इतने पार्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग इट प्रोडक्ट टी। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, इनवैलिड कॉलम नेम, कॉलम नेम मैंने यहाँ भी डाला था, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी का क्या नाम था, उसका भी कोई नाम डिफरेंट है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। प्रोडक्ट आईडी, हाँ अंडरस्कोर नहीं है,
अंडरस्कोर नहीं है। अपडेट ये मैंने एग्जीक्यूट किया, इसके बाद दोबारा सेलेक्ट करता हूं इसको, तो ये यहां पे प्रोडक्ट आईडी कितनी हो गई है, 775 हो गई है, ठीक हो गया। अगर मैं दोबारा वापस सब कुछ पे ले आता हूं 800, ये एग्जीक्यूट किया, फिर मैं सेलेक्ट करता हूं इसको, इस पार्ट को, दोबारा 800 हो गई है। अच्छा जी, एक माई स्टेटमेंट होती है, माई स्टेटमेंट में दो काम मिलेगा। अभी हमने देखा कि इंसर्शन सेपरेट हमने की है, कमांड और अपडेट कमांड सेपरेट की है, लेकिन माई में आप अपडेट और इंसर्ट के काम करते ही कर सकते हैं। अगर एक तरफ से आप कहते हैं क्राइटेरिया पे कुछ रोज अपडेट होते हैं और कुछ रोज नहीं इंसर्ट होते हैं, बेस ऑन फंक तो उसके लिए यू कैन यूज मर्ज कमांड। तो इसका सेंटेक्स देखें, इसमें एक टारगेट टेबल होगा ऑब्वियसली हमारा, और एक हमारा सोर्स टेबल होगा। हम कहते हैं जी हमने टेम्परी टेबल, टेम्परी कस्टमर टी टेबल में कुछ डेटा मर्ज करना है फ्रॉम टेम्परी टू कस्टमर टेबल। इस टेबल से हमने इस टेबल एलियस नेम हमने दे दिया टारगेट, इसका एलियस नेम देने का फायदा हो जाता है कि आगे फिर हम अगर कस्टमर नेम लंबा है, काफी लंबा नाम है डैम कस्टमर टी, तो हमने एज टारगेट कर दिया, तो आगे अब इस टेबल को हमने जब रेफर करना होगा तो सिर्फ हम टारगेट यूज करेंगे, तो इट्स एन अल्टरनेट नेम। इसका टेम टू टेबल को हमने एज अ सोर्स उसको रीनेम कर दिया एक तरह से, तो हम इसको एज अ सोर्स आगे रेफर करेंगे अपने अगले स्टेटमेंट्स में। So we are merging some data into target table from source table. अब हम on का एक कीवर्ड यूज कर रहे हैं जिसमें हम दोनों टेबल्स की IDs को मैच करेंगे। अब हो सकता है कि temp to table में भी कुछ डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास, लेकिन वो पुराना डेटा है, obsolete है, हम उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, तो कुछ डेटा हमारा नया एड हो जाएगा, कुछ डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे उसमें हम दोनों टेबल्स को लिंक करेंगे आपस में। ये कस्टमर आईडी है, आईडी एक आईडी यहां पर है और एक और दूसरा टेबल है, एक आईडी इसके अंदर है। ये सोर्स टेबल है, ये टारगेट टेबल है। तो जब 1 2 3 4 1 2 3 5 8 9 पर तो जब हम ऑन में दोनों की आईडी को लिंक कर रहे हैं, क्या होगा कि हर आईडी के साथ आईडी मैच हो जाएगी, तो जहां जहां आईडी मैच करेगी उन आईडी की रोज को अपडेट करेगा, और कुछ होंगी रोज जिसमें आईडी मैच नहीं करेगी। तो दोनों कंडीशन क्या है कि आईडी मैच करे तो क्या करें, आईडी ना मैच करे तो क्या। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये पुराना नया टेबल है, इसमें कंडीशन रोज आई हुई है, फॉर एग्जाम्पल 11, 12, 13, 14 ये रोज तो क्या करें, वो अपडेट कमांड एग्जीक्यूट करें और रो जो उसको ना मिले उन रोज को इंसर्ट कर दे। तो पहले देखिए अपडेट वाला, व्हेन मैच्ड यानी क्या मैच करें, ये आईडीज जहां मैच करें, कस्टमर आईडीज जब मैच करें, व्हेन मैच्ड देन अपडेट, और अपडेट का जो स्पेसिफिक सेंटेंस है, सेट सोर्स डॉट सेल नंबर टू टारगेट डॉट सेल नंबर। तो सिंपल जो असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है वो है कि जो सोर्स के सेल नंबर वाला कॉलम है उसकी वैल्यू टारगेट के सेल नंबर में कॉपी हो जाएगी या अपडेट हो जाएगी, जो भी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। तो इसके लिए अपडेट और सेट की कमांड यूज की हमने। व्हेन नॉट मैच्ड, जब ये ऊपर वाली आईडी कस्टमर आईडी मैच नहीं करती दोनों टेबल में, तो फिर क्या करें,
फिर वो जो वैल्यू है आपकी इन, वो इन वैल्यू इंसर्ट कर दे। तो टारगेट में वैल्यू इंसर्ट करनी है सोर्स वाली, तो आपने सोर्स की वैल्यू बता दी है, वो जाके इन टारगेट के इन कॉलम में, ये जो कॉलम ऊपर हमने स्पेसिफाई किए हैं कस्टमर नेम कस्टमर एड्रेस, और वही सीक्वेंस में हम वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं सोर्स वाली, ये टारगेट में इंसर्ट हो जाएंगी, तो नई रो क्रिएट होगी। इंसर्शन जब भी होगी मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ न्यू रो, नई रो इंसर्ट होगी एंड ऑल द वैल्यूज विल बी कॉपीड। ठीक है जी, तो अगेन इट्स अ पावरफुल कमांड, मर्ज कमांड, मर्ज स्टेटमेंट। ज्वाइन अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, जब करूंगा फिर कंपैरिजन भी डिस्कस करना है, ज्वाइन अभी नहीं डिस्कस नहीं किया अभी। ये उसका उसका सेंटेक्स है ना अपडेट का। हाँ देखे ना, अपडेट में सेट आता है ना, वैल्यू जो सेट करनी होती है वैल्यू सेट आती है इसके अंदर अपडेट। अपडेट में जो वैल्यू अपने चेंज करनी होती है ना वो आप सेट लिख के करते हैं ना, मल्टीपल भी वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पे। टेबल तो हमने पहले ऑलरेडी टारगेट सोर्स सेट कर दिया ना यहाँ पे। हाँ तो टारगेट इसको रेफर कर रहा है ना इस टेबल को, और सोर्स इसको रेफर कर रहा है। ये नीचे वैल्यूज में डाला हुआ ना, सोर्स की वैल्यू टारगेट में कॉपी हो जाएगी। अपडेट अपडेट सेपरेट है, अपडेट का मतलब है आगे आप वैल्यू सेट करनी है। अब सेट करके अब अपने मल्टीपल वैल्यूज करनी है तो कॉमा लगा के एक और वैल्यू डाल दें, कॉमा लगा के एक और वैल्यू डाल दें, तो सेट के बाद जितनी कमांड डालेंगे वो कॉपी हो जाएंगी। अपडेट का सेट यूज हो रहा होता है, जो वैल्यू सेट करनी होती है उसके लिए सेट कीवर्ड आता है अपडेट के अंदर। ठीक है, जैसे इंसर्ट के अंदर वैल्यूज कीवर्ड आता है, सेट के अंदर अपडेट के अंदर सेट कीवर्ड आता है। हाँ वैल्यू नहीं लिखी, अपडेट का सेंटेक्स इस तरह का है, दिस इज अ सेंटेक्स। अपडेट का सेंटेक्स में सेट आता है, वैल्यूज वैल्यूज नहीं आता अपडेट में, सेट सेट कीवर्ड आता है। सेट में आपने ये वाली वैल्यू कॉपी हो जाएगी, साइन हो जाएगी सोर्स से टारगेट। सोर्स आप राइट साइड पे लिखेंगे, टारगेट आप असाइनमेंट स्टेटमेंट के लेफ्ट पे लिखेंगे। अच्छा जी, आगे वी कैन ऑल्सो क्रिएट इंडेक्सेस एंड वी कैन ऑल्सो डिलीट इंडेक्सेस। जब हम प्राइमरी की क्रिएट करते हैं, जैसे हमने टेबल क्रिएट करने के दौरान प्राइमरी की क्रिएट की थी, तो प्राइमरी की पे क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। लेकिन इन केस आपने प्राइमरी की उसको डिक्लेयर ही नहीं की, प्राइमरी की डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं। तो आप जब भी प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे तो क्लस्टर्ड इंडेक्स बनेगा प्राइमरी की पे। इन केस आप एडिशनल इंडेक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं, या प्राइमरी की आपने नहीं डिक्लेयर की थी, या प्राइमरी की चेंज करना चाहते हैं, पहले प्राइमरी की कोई और थी उसके बाद प्राइमरी की कोई और करना चाह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप इंडेक्सेस बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसी सूरत में इंडेक्सेस बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडेक्स की स्टेटमेंट आप देखें तो यहां पे आपको नजर आ रहा है क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स। तो क्लस्टर्ड इंडेक्स आमतौर से प्राइमरी की पे क्रिएट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाना है हमने, तो हम यूज करेंगे क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स, उसके बाद इंडेक्स का नाम देना होगा आपने, हर इंडेक्स का कोई नाम देंगे आप। ऑन ये टेबल का नाम आ गया टेम कस्टमर टी, और फिर आ गया जिस कॉलम पे आपने जिस फील्ड पे आपने इंडेक्स क्रिएट करना है। सो दिस इज सिंटैक्स फॉर क्लस्टर्ड इंडेक्स। और अगर आपने फॉर एग्जांपल एक नॉन प्राइमरी की है, आमतौर से नॉन प्राइमरी की पे नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट किया जाता है, तो फिर ये नॉन प्राइमरी की है फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम, तो आप क्रिएट नॉन क्लस्टर इंडेक्स यूज करेंगे। उसी तरीके से नाम होगा क्लस्टर का, टेबल का नाम होगा, और फिर उस फील्ड का नाम होगा।
तो थोड़ा सा डिफरेंस है क्लस्टर्ड इंडेक्स और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, तो आप बाद में इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह इंडेक्स आप ड्रॉप भी कर सकते हैं उस पर। फिर आपने क्या करना होगा कि आपने जिस जो इंडेक्स का नाम दिया था उस नाम देना पड़ेगा। टेम कस्टमर टी टेबल का नाम है और आईडीएक्स कस्टमर आईडी इज द नेम ऑफ द इंडेक्स। तो बाय नेम किसी भी इंडेक्स को आप ड्रॉप कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन हियर? इंडेक्स जो है प्राइमरी की में तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इंडेक्स प्राइमरी की में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और इंडेक्स क्रिएट किया जाता है प्राइमरीली फॉर परफॉर्मेंस, इंक्रीजिंग दी परफॉर्मेंस, क्योंकि जो हर इंडेक्स पे एक आपकी सॉर्टिंग क्रिएट हो जाती है तो आपके लिए सर्चिंग करना, डेटा फाइंड करना आसान होता है जब आपने इंडेक्स बना लेते हैं। आपको तो प्राइमरी की पे जब इंडेक्स बन जाता है तो जब भी टेबल आप डेटा फेच करेंगे तो आपको नजर आएगा कि प्राइमरी की पे सॉर्टेड है आपका डेटा, क्योंकि प्राइमरी की पे आपका डेटा जो क्लस्टर्ड इंडेक्स बनता है और डेटा आपका प्राइमरी की के मुताबिक फिजिकली ट्री बन जाता है। फ्रंट एंड पे आपको टेबल नजर आ रहा है लेकिन बैक एंड पे वो ट्री बन जाता है प्राइमरी की के रेफरेंस से, तो ट्री पे सर्चिंग आसान हो जाती है आपकी। तो बैक एंड पे वो एक ट्री क्रिएट हो जाता है दैट इज बेस्ड ऑन क्लस्टर्ड इंडेक्स। हाँ प्राइमरी की, ये प्राइमरी की अगर आपने ये है एक्सप्लिसिटली आप क्लस्टर इंडेक्स नहीं क्रिएट कर रहे, लेकिन मैं यहाँ बताना ही चाह रहा हूँ कि अगर प्राइमरी की क्रिएट करेंगे तो उस पर क्लस्टर इंडेक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। एक्सप्लिसिटली क्रिएट करना है तो फिर नीचे वाली कमांड है पीके कस्टमर आईडी इज द नेम ऑफ कंस्ट्रेंट। हर कंस्ट्रेंट को अपने नाम देना होता है। पीके कस्टमर आईडी इज नेम ऑफ कंस्ट्रेंट। इसी तरह जब हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं अलग से तो फिर इंडेक्स को भी आप नाम देते हैं, ये इंडेक्स का नाम है। एनी अदर क्वेश्चन? जी इंक्रीमेंट का गलत आ रहा है। हाँ वो तो आइडेंटिटी कॉलम पढ़ा था ना आपने। आइडेंटिटी कॉलम में क्या होता है कि ऑटो नंबर की फील्ड जब आपने क्रिएट करनी होती है तो आप 5,1 लिखते हैं आगे। आइडेंटिटी फील्ड का मतलब है ऑटो नंबर फील्ड, इसमें डेटाबेस को इंसर्ट कर दिया गया डेटा उसमें 1,1 होता है, तो होता है कि स्टार्टिंग नंबर क्या है आपका, इसको सीड कहते हैं। ये मान से शुरू होगा डेटा इंसर्ट करना डेटाबेस को, इलियन है। और इंक्रीमेंट कितना होगा? 1 का, हर रो में 1 का इंक्रीमेंट होगा। ये ऑटो नंबर फील्ड एक्सेस में ऑटो नंबर फील्ड कहते हैं, एसक्यूएल सर्वर में आइडेंटिटी कॉलम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है यहाँ तो टेबल स्ट्रक्चर, ये यहाँ होते हैं ये टेबल स्ट्रक्चर है, ये आइडेंटिटी कॉलम आ रहा है ऑटो नंबर फील्ड। यहाँ पे टेबल इसलिए शो किया कि उसके ऊपर इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी कल डिस्कस किया था हमने कि अगर टेबल क्रिएट करना हो तो क्या कमांड होती है, तो ये वो वाली कमांड है जो अलग से बताई हुई है। जी बेटा प्राइमरी की सराहना जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं उसको प्राइमरी की क्रिएट करना मैंडेटरी नहीं होता, यू कैन डू इट लेटर ऑन। जब भी प्राइमरी की क्रिएट करेंगे तो क्लस्टर इंडेक्स बनेगा उसके ऑटोमेटिकली। अगर आपने बाई डिफॉल्ट प्राइमरी की आप लिखेंगे तो आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो ये क्लस्टर इंडेक्स बाई डिफॉल्ट बनेगा प्राइमरी की जब भी बनाएंगे, और एक ही क्लस्टर इंडेक्स बन सकता है एक टेबल पे। हाँ तो इंडेक्स नहीं बनेगा, इंडेक्स फिर आप बाद में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे हम प्राइमरी की अग्री करें कि प्राइमरी की पहले इंजीनियर नहीं की, अब जब हम ये अल्टर करेंगे इस टेबल को तो नाउ वी आर डिक्लेयरिंग द प्राइमरी। जब प्राइमरी की डिक्लेयर करेंगे तो उसी कॉलम में कस्टमर आईडी में क्लस्टर इंडेक्स भी बन जाएगा। तो अगर हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली क्लस्टर इंडेक्स बनाते हैं प्राइमरी की
क्लस्टर इंडेक्स कर सकते हैं। आप ये क्लस्टर इंडेक्स बना रहे हैं ना, तो एमडी की तरह अगर आपने क्लस्टर इंडेक्स, ये क्लस्टर इंडेक्स कभी बना सकेंगे अगर ऑलरेडी क्लस्टर इंडेक्स नहीं है, या आप कहते हैं ब्रांडिंग की आपने अलग से कमांड दे के नॉन क्लस्टर ब्रांडिंग की आप क्रिएट करें ना, साथ आप एक के साथ पेजिंग की वर्ड डाल सकते हैं ब्रांडिंग की नॉन क्लस्टर, तो नॉन क्लस्टर बन जाएगी। अब उसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आप उसको फिर चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप उसको कस्टम ब्रांडिंग पे क्लस्टर इंडेक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यू कैन डू दिस चेंज। सर जो इंडेक्स है वो बेसिकली प्राइमरी की को डिफाइन कर रहा है, प्राइमरी को कॉन्वर्ट प्राइमरी की बना रहा है, इंडेक्स कर रहा है, इंडेक्स ना सॉर्टिंग कर देता है। इंडेक्स, उनका क्वेश्चन है इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स क्या करता है कि उस कॉलम पे डेटा को सॉर्ट कर देता है, और क्लस्टर्ड का मतलब होता है कि उसने डेटा सॉर्ट भी किया और सेव भी कर दिया उसी ऑर्डर में। इसका मतलब है कि आप क्योंकि ऑटो नंबर चल रहा होता है ना, तो आप बीच में इंसर्ट नहीं कर सकते उसके अंदर, डेटा आपका प्राइमरी की पे क्लस्टर्ड इंडेक्स आपका डेटा सेव भी उसी ऑर्डर में हो रहा होता है। नॉन क्लस्टर्ड में ये होता है, नॉन क्लस्टर्ड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल क्लस्टर इंडेक्स में आपका डेटा आप कहते हैं फाइव है, ग्रुप बन जाते हैं, पांच पांच के बाद ग्रुप बन गया, एक्चुअली फिजिकल डेटा का ट्री बन जाता है। आप कहते हैं ये मार्ट से लेके जो है ना नो तक ये यहाँ पे आएगा डेटा, ठीक है, दस से लेके जो है ये चौदह तक इसके नीचे आएगा, तो इसके अंदर पूरा ट्री फिजिकली बन जाता है। एक्चुअली रो पूरी पूरी रो पड़ी होती है ट्री के अंदर, लेकिन पूरी रो आपको यहाँ पे नजर आ रही है टेबल में, वो पूरी पूरी रो आपकी यहाँ पड़ी हुई होती है लीफ के अंदर, लीफ नोड यहाँ नहीं पड़ी होती, लीफ नोड में पड़ी होती, यानी कि जो डेटा की रोज है वो आप ऑलरेडी ट्री की फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाती है। दिस इज क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है। अब एक ट्री किसी एक के अगेंस्ट ही बन सकता है ना, इसलिए हम ये कहते हैं कि क्लस्टर इंडेक्स एक ही होगा और उसमें डेटा उस फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाएगा और ये सॉर्टेड फॉर्म में होगा, यानी कि पांच कम वैल्यू यहाँ पे लेफ्ट पे है तो हाईएस्ट वैल्यू राइट साइड पे होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको सर्च फास्ट हो जाएगी, ट्री की डेप्थ पे डिपेंड करती है, सर्च आपकी ट्री डेप्थ पे डिपेंड करती है, कितनी डेप्थ का ट्री है, लीनियरली आप सर्चिंग करेंगे तो टाइम लेती है ज़्यादा, लेकिन ट्री की जब अगर ट्री फॉर्म में डेटा बढ़ाते हैं तो आपकी सर्च फास्ट हो जाती है, आपकी ट्री डेप्थ जितनी होगी उतनी स्टेप में सर्च हो जाती है। तो ये दिस इज व्हाट इज क्लस्टर्ड इंडेक्स। अब फॉर एग्जांपल कंपोजिट प्राइमरी की उसमें क्या होता है, सर्चिंग आपकी सर्चिंग ऑर्डर्ड हो जाती है ना, आपकी आपकी कंपोजिट प्राइमरी की में भी आप अगर आप डेटा को डिस्प्ले करेंगे तो एक ऑर्डर में आएगा, तो वही हर रो का एक एक वो रिंग में प्लेस बन जाएगी, फिर ये होगा कि पहली पहला ऑर्डर डिफरेंट होगा, दूसरा ऑर्डर डिफरेंट होगा कंपोजिट प्राइमरी, लेकिन एक ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को अकॉर्डिंग एक ट्री बना हुआ होगा बैक एंड। अब नॉन क्लस्टर्ड में क्या होगा, नॉन क्लस्टर्ड में क्या होगा कि एक सेपरेट ट्री भी बन जाएगा, सेपरेट ट्री बनेगा नॉन क्लस्टर्ड का। फॉर एग्जाम्पल नॉन क्लस्टर्ड हम करते हैं नेम के ऊपर, नॉन क्लस्टर्ड हम करते हैं नेम के ऊपर, तो इसके अंदर अब नेम भी सॉर्टेड फॉर्म में, इसमें सिर्फ नेम पड़े हुए होंगे, नेम वन नेम टू लीफ नोड में, लीफ नोड्स में N1, N2, N3, N4, सिर्फ नेम पड़े होगा, पूरा डेटा नहीं पड़ा हुआ होगा, पूरा डेटा नहीं पड़ा हुआ होगा, सिर्फ नेम आगे उनका अलग से ट्री बन जाएगा। अब क्या होगा, आपने बाई नेम सर्च करनी है तो सर्चिंग आएगी यहाँ पे, यहाँ से नाम फटाफट ढूंढ लेगा कौन सा नाम है, अब इस नेम का आगे पॉइंटर बना हुआ होगा तो वहां से वो एक्चुअली रो पे पहुंच जाएगा जहाँ पूरी रो पड़ी हुई है, पूरी रो जहाँ पड़ी होगी क्लस्टर इंडेक्स वाले ट्री में, तो आपने नेम पे सर्च की वहां से पॉइंटर उसको मिला, वो एक्चुअली उस रो पे पहुंच जाएगा। सो दिस हाउ नॉन क्लस्टर इंडेक्स वर्क्स, नॉन क्लस्टर्ड का सेपरेट ट्री बन जाता है और जिस पे करते हैं उसके उसका ट्री बनता है, जिस ट्री पे हमने नॉन क्लस्टर्ड बनाया होता है।
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग पे कर लेंगे, मोस्टली असेंडिंग पे करते हैं। तो नाम जो है भाई असेंडिंग ऑर्डर बनेंगे, उसकी देख भाई असेंडिंग ऑर्डर इसका डी बन जाएगा, ताकि आप फास्ट सर्च कर सकें नेम पे। सर इंडेक्स उस पे क्या यूनिक और अधूरे या वैल्यू? नहीं नहीं, नॉन क्लस्टर्ड में इंडेक्स यूनिक होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल ये यूनिक होना जरूरी नहीं है, नेम एक जैसे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इंडेक्स नॉन क्लस्टर इंडेक्स सिर्फ प्राइमरी की रिक्वायरमेंट है कि प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए, ठीक हो गया। बाकी नॉन प्राइमरी की में यूनिकनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक तरह के नाम जो एक जैसे नाम होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे ना, वो एक जैसे नाम इकट्ठे हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल चार नाम इकट्ठे आए हैं तो आप फिर उसके फर्स्ट नेम पे आ जाएगा। आगे फिर आपने जो भी क्राइटेरिया वेयर क्लॉज में लगाया होगा उसके मुताबिक यू विल फाइंड एक्चुअल जो भी आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी, जैसे हमने पीछे देखा है कि प्रोडक्ट आई डी 7 के लिए अपडेट करते हैं, प्रोडक्ट आई डी 7 अगर 4 है तो क्या आ जाएगा, चारों रोज अपडेट। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्लस्टर्ड वर्सेस नॉन क्लस्टर्ड, ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ डाली हुई है, इसको आप जरा देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम सिलेक्ट स्टेटमेंट पे। सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने पहले भी एक दो एग्जांपल देखी है, बट नाउ वी आर गोइंग टू सी इट विद वेरियस एग्जांपल्स, ठीक है जी। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली यूज्ड स्टेटमेंट। सिलेक्ट क्या करती है, डेटा फेच करती है। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करती है, क्या करती है सिलेक्ट स्टेटमेंट? डेटा फेच करती है, क्यूरी करके आपको रिजल्ट दे रही है, ये डेटा को एमिट करती है, ये समझ लें। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट क्लॉजेस यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल आपको नजर आ रहा है सिलेक्ट क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज, वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय, हैविंग ऑर्डर बाय, कितनी है 1 2 3 4 5 6 सिक्स क्लॉजेस कैन बी यूज विद इन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से जो पहली दो क्लॉजेस हैं दीज आर मैंडेटरी, मिनिमम सेलेक्ट स्टेटमेंट में आपको कम से कम दो चीजें डालनी होनी है, सेलेक्ट और फ्रॉम, बाकी सिचुएशन के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट क्या कर रहा है, सेलेक्ट क्लॉज एक्चुअली क्या कर रही है, लिस्ट द कॉलम्स एंड एक्सप्रेशंस दैट शुड बी रिटर्न फ्रॉम द क्यूरी। तो आप क्या करते हैं सिलेक्ट में, आप फॉर एग्जाम्पल कॉलम है बहुत सारे, आप कहते हैं जी मुझे सिर्फ ये कॉलम चाहिए, या मुझे सिर्फ ये वाले कॉलम चाहिए, या मुझे सारे कॉलम चाहिए, ये कॉलम चाहिए। तो आपकी जो सिलेक्ट कमांड होती है वो वर्टिकल फिल्टरिंग कर रही होती है। आप समझे के कॉलम कम ज्यादा करते हैं आपने, तो उसके लिए सिलेक्ट कमांड होती है, कॉलम अगर आपने कम ज्यादा करते हैं। फ्रॉम में आपने बताना होता है किस रिसोर्स के आपने टेबल एक या इससे ज्यादा टेबल्स का नाम आप बताते हैं, तो उसमें आपने सोर्स बताने होते हैं, एक टेबल भी हो सकता है, ज्यादा टेबल हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं, तो मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, दो सोर्सेज होंगे सारी फ्रॉम के अंदर आपने बताए। और इसके बाद आ रहा है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज एक दो एग्जांपल देखी हमने पीछे भी, वेयर क्लॉज है रो वाइज फिल्टर लगाने के लिए। आप कहते हैं जी भैया मैंने ये इतनी रोज उठानी है, मान से 10 रोज उठानी है, या खास क्राइटेरिया के बेस पे आप कहते हैं जी स्टेट इज इक्वल टू वाई एन। तो रोज में फिल्टर लगाने के लिए आप वेयर क्लॉज यूज करते हैं, कॉलम में फिल्टर लगाने के लिए आप सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं। तो देयर इज हॉरिजॉन्टल फिल्टरिंग ऑप्शन अवेलेबल टू यू एंड वर्टिकल फिल्टरिंग, दोनों तरह की फिल्टरिंग आप इसमें कर सकते हैं। चौथी चीज आ गई ऑर्डर ग्रुप बाय। ग्रुप बाय ये है कि आप
एक क्राइटेरिया के बेस पे अपने डेटा को ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुपिंग में भी शायद आपने कभी एक्सेल में भी यूज की हो, वो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट डेटाबेस ही एक्सेल में गया हो। तो आप ग्रुप बना सकते, आप कहते हैं जी स्टेट इक्वल टू वाई एन, सारी स्टेट के वाई एन स्टेट का अपना ग्रुप बना, हर स्टेट का अपना अपना ग्रुप बना ले। तो इस तरह की ग्रुपिंग आप करते हैं बाई ग्रुप बाई क्लॉज के साथ। मैं आगे एग्जांपल दिखाऊंगा। हैविंग में आपने जब ग्रुप ग्रुप के ऊपर कोई कंडीशन लगानी होती है तो देन यू यूज हैविंग क्लॉज। ग्रुप पे तो कंडीशन लगानी है, दैट कंडीशन इज प्लेस इन हैविंग क्लॉज। आगे मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है? याद रखने के यहाँ भी कंडीशन लगाए हैं वेयर क्लॉज, लेकिन हैवी में भी कंडीशन लगा रहे हैं। ये कंडीशन अप्लाई होती है ग्रुप के ऊपर, ठीक है? वेयर क्लॉज जो कि वो ओवरऑल सारी रोज पे पड़ता है। और ऑर्डर बाय इन बेसिकली सॉर्टिंग, आपने किस ऑर्डर में डेटा डिस्प्ले करना है उसमें आप ऑर्डर बताते हैं, और कहते हैं ऑर्डर बाय नेम, तो नेम पे सॉर्टिंग हो जाएगी। असेंडिंग डिसेंडिंग बता सकते हैं आप, डिसेंडिंग ऑर्डर पे करना है तो आप कॉलम कॉलम पे बताएंगे, कॉलम पे सॉर्टिंग हो जाएगी। इसमें मल्टीपल सॉर्टिंग भी हो सकती है, लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री सॉर्टिंग हो सकती है। तो ये सारे इसके कंडीशन है। आप हमारे एग्जांपल देखते हैं आगे। सबसे पहले आप एक चीज देख लें इसके अंदर कि जब ये एग्जीक्यूट होती है सिलेक्ट कमांड, तो जिस सीक्वेंस में हम लिखते हैं उस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट नहीं होती, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। जब ये एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि इसके अंदर सोर्स पड़ी हुई होती है, फ्रॉम में सोर्स होती है, तो पहले सोर्स पिक करनी है उसने। तो पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होती है, फिर वेयर क्लॉज होती है, फिर ग्रुप बाय होती है, फिर हैविंग होती है, और उसके बाद फिर सिलेक्ट कमांड यूज होती है जो कि कॉलम पे फिल्टर लगा रही होती है, और फिर एंड पे ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होती है। तो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप एंटर करते हैं इसको तो एंटरिंग में आप ये सीक्वेंस यूज करते हैं, सिलेक्ट पहले आता है, एग्जीक्यूशन में सिलेक्ट बाद में हो रही होती है, लेकिन एज अ यूजर आपने ये सीक्वेंस फॉलो करना होता है। लेकिन जो DBMS सिस्टम है वो ये सीक्वेंस फॉलो करता है, ये फ्रॉम से शुरू करता है, ठीक है? एक ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब आ जाए पहली एग्जांपल। इस एग्जांपल में कौन सा टेबल यूज हो रहा है? हाँ जी, आखिर में जो तीन बैठे हैं भाई, टेबल कौन सा यूज हो रहा है यार एग्जांपल? हैं? प्रोडक्ट टेबल। आगे आए ना, आपके लिए जगह खाली छोड़ दी है। हैं? कौन सा टेबल है? प्रोडक्ट टेबल। मैंने कहा बुनियादी सवाल पूछ लो, पता नहीं आप सिंक हुए हुए मेरे साथ के नहीं हुए। टेबल का नाम ये है, कॉलम का क्या नाम है? कौन से कितने कॉलम फेच करने हैं हमने? कौन क्या नाम है कॉलम्स के? स्टैंड प्राइस। तो सिलेक्ट कमांड में हमने क्या किया, कॉलम के नाम डाले हैं। फ्रॉम क्लॉज में हमने क्या किया, सोर्स है ये तो हमने टेबल का नाम डाला है। और वेयर क्लॉज में हम कंडीशन डाल रहे हैं। कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस लेस देन 275। अगर मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा? चलो इसको बगैर कंडीशन के एग्जीक्यूट करते हैं पहले, बल्कि लिखते हैं इसको सिलेक्ट सेलेक्ट मैंने कौन सा आ रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं मजेदार, इसके अंदर आप राइट क्लिक करें तो यहां पे आपको नजर आएगी चीज डिजाइन क्यूरी इन एडिटर। इसे है कि आपके
आप लिख रहे होते हैं तो आपको कॉलम्स के नाम नहीं याद रहते, टेबल का एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहता, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो आपने जिस टेबल पे काम करना है वो टेबल, टेबल कौन सा कर रहे हैं हम यूज, प्रोडक्ट टी। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट टी टेबल उठा लेता हूँ यहाँ से, ये प्रोडक्ट टी टेबल आ गया। तो आप नीचे देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट टी। तो इसका मतलब है टेबल मेरा सिलेक्ट हो गया है एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ, सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट टी। अब मैं कहता हूँ कि मैंने कौन क्या क्या चीज़ उठानी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन उठानी है। तो ये देखें सिलेक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। सो इट इज़ हेल्पिंग यू इन क्रिएटिंग योर एसक्यूएल स्टेटमेंट। इसके बाद मैं दूसरी क्या प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस उठाना चाहता हूँ, तो इसने दूसरी भी डाल दी है। अब मैं ओके करता हूँ तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे तैयार होके आ गई है मेरे पास। फर्दर इसमें अगर मैंने चीज़ें कोई डालनी है तो देन आई कैन ऐड। तो मैं अब इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये दो कॉलम आ गए हैं मेरे पास। अब इसमें मैंने लगाना है फिल्टर, ठीक है। फिल्टर के लिए मैं क्या, मेरी कह रही है वेयर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस इज ग्रेटर देन 275। तो ये मैंने प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस ग्रेटर कर दी, तो अब इस पर फिल्टर लग जाएगा रोज पे। तो ये देखें फिल्टर लग गया, जो वैल्यूज 270 लेस देन 275 में वो आ गई है मेरे पास, ठीक है जी। तो दिस इज फर्स्ट एक्सपोजर, फॉर्मल एक्सपोजर ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट। अब सिलेक्ट स्टेटमेंट में काफी सारी आप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए दो यूज कर सकते हैं, दो आपके क्लॉजेज यूज हो सकते हैं नॉट इक्वल टू के लिए। अच्छा जी, अगली एग्जांपल देखें। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ कस्टमर नेम नेम्ड होम फर्निशिंग, यूज एलियस नेम फॉर कस्टमर नेम। तो अब हम कस्टमर टेबल को यूज कर रहे हैं, फ्रॉम में नजर आ रहा है आपको, और कस्टमर का नाम हम यूज कर रहे हैं कस्टमर टेबल कस्ट। अब कस्टमर को भी एलियस नेम यूज किया तो फिर आगे हम कस्टमर टी के बजाय कस्ट यूज कर सकते हैं, कस्ट डॉट कस्टमर नेम। यानी कि कस्टमर टेबल में कस्टमर नेम होम फर्निशिंग पे फिल्टर लगाना है हमें। तो होम फर्निशिंग पे फिल्टर लगाया तो सिर्फ होम फर्निशिंग कस्टमर नेम वाली रो हमें मिल गई है, बाकी रो सारी फिल्टर आउट हो गई है। अगर ये वेयर क्लॉज निकाल दूंगा तो पूरे का पूरा कस्टमर नेम, सारे के सारे कस्टमर नेम आ जाएंगे। नहीं है, ये देखें मैं एक कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, ये मैंने डाली, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये आ गई। अब इसमें कस्ट जरूरी नहीं है क्योंकि एक ही टेबल है, टेबल जब एक से ज्यादा हो ना फिर कन्फ्लिक्ट हो सकता है कॉलम नेम में, तो फिर आपको सेलेक्ट ये देखें कस्टमर नेम कॉलम का नाम आ गया, उसका नेम एज अ नेम एलियस दिया तो यहां पे नेम लिखा हुआ आ रहा है। जो नाम हम बताएंगे जिस नाम से डिस्प्ले हो उस नाम से डिस्प्ले हो रहा है, कस्टमर एड्रेस आ गया, कस्टमर एड्रेस का भी कोई नाम दे सकते हैं आप, जिस नाम से डिस्प्ले हो आप लिख देते हैं सीए, तो एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे सीए लिखा हुआ आ जाएगा। जो कॉलम जिस नाम से डिस्प्ले करना है एलियस नेम में एज करके वो नाम डाल देते हैं आप। ओके, यू कैन हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक।
जरा मैं इसको पॉज कर। तो ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में यहाँ पे एलियस नेम यूज करने का जो एक कॉन्सेप्ट है वो डिस्क्राइब किया गया। एलियस नेम कैन बी यूज विद द कॉलम नेम एंड इट कैन आल्सो बी यूज विद द टेबल नेम, टेबल के नाम के साथ भी और कॉलम के नाम के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर टेबल के नाम के साथ यूज किया तो फिर टेबल जहां भी रेफर होगा उसके साथ हम वही वाला एलियस नेम यूज करेंगे। ओके, नाउ देयर आर वेरियस फंक्शंस अवेलेबल, दोज कैन आल्सो बी यूज्ड इन फ्लेक स्टेटमेंट लाइक सम, एवरेज, यू कैन ऐड वेरियस वैल्यूज, कॉलम वैल्यूज, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो लेट्स सी एग्जाम्पल, देखें व्हाट आर द स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस इफ इंक्रीज बाय 10% फॉर एवरी प्रोडक्ट। एक कॉलम है, कॉलम है, कॉलम का नाम है हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर उसके में 10% इंक्रीज हो जाए तो फिर क्या आंसर होगा या क्या वैल्यूज होंगी। तो हमने क्या किया कि हमने एक वर्चुअल कॉलम क्रिएट किया है। अब डेटाबेस में एक्चुअली ये कॉलम सेव नहीं है, बट वी आर क्रिएटिंग अ कॉलम एट रन टाइम। तो हमने प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस कॉलम एक्चुअल कॉलम है जिसमें डेटा पड़ा हुआ है, और हमने किया प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1.1। अब ऊपर कॉलम नेम क्या डिस्प्ले हो रहा है, प्लस 10%। ये क्यों डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने एस प्लस 10% के जो वर्चुअल कॉलम क्रिएट किया वो किस नाम से डिस्प्ले हो वो हमने यूज किया एस प्लस 10%। तो ये प्लस 10% आ गया, यहाँ पे वैल्यूज मल्टीप्लाई होके, ये वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होके 1.1 से वो यहाँ हमें डिस्प्ले हो गई है। सो वी कैन क्रिएट एनी कैलकुलेटेड कॉलम एट रन टाइम विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स स्टेटमेंट। एनी क्वेश्चन? आगे चलें। अब इसमें आपको कई मैथमेटिकल फंक्शन मिलेंगे जो सेलेक्ट स्टेटमेंट में यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, सम, राउंड, ट्रंकेट, मॉड। स्ट्रिंग के आपको फंक्शन नजर आ रहे हैं, लोअर, अपर, कंकेट, सब स्ट्रिंग। सर, डेट के फंक्शन नजर आ रहे हैं, डेट की डेटा टाइप होती है इसके अंदर, तो इसलिए जब डेट डेटा टाइप आपने यूज की हुई होगी तो फिर डेट के फंक्शन उस पर काम करेंगे। नेक्स्ट डे, एड मंथ्स, मंथ बिटवीन, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। काफ़ी सारी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। फिर एनालिटिकल कुछ फंक्शंस आपको मिलेंगे, स्टैटिस्टिकल फंक्शन मिलेंगे, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। जैसे एक्सेल में आपको बहुत सारे फंक्शन मिल रहे होते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग एवरेज फंक्शन। What is the average standard price for all products in inventory? तो हम क्या चाह रहे हैं, हम एक कॉलम है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस, हम कह रहे हैं जितने भी उसके अंदर रो डेटा पड़ा हुआ है सारा डेटा का एवरेज मुझे निकाल दो, जितने भी रोज हैं उन रोज में एवरेज निकालिए तो मुझे एक ही आंसर रिटर्न हो रहा है, दैट इज ये पूरे कॉलम का एवरेज आ रहा है, पूरे कॉलम का एवरेज उसे निकाल के दे दिया। इस तरीके से आप सम भी कर सकते हैं, बाकी काम भी कर सकते हैं। एक और इसमें काउंट फंक्शन होता है, ये भी काफी कॉमनली यूज हो रहा होता है। काउंट फंक्शन, इट काउंट्स हाउ मेनी डिफरेंट आइटम्स वर ऑर्डर्ड ऑन ऑर्डर नंबर 1004, कि ऑर्डर नंबर 1004 के अगेंस्ट कितनी आइटम्स ऑर्डर की गई थी। तो सेलेक्ट काउंट स्टार एज, ये उसका नाम आ गया एलियस नेम, फ्रॉम ऑर्डर टी, ये टेबल का नाम ऑर्डर लाइन टी, ये टेबल आ गया वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 1004। तो काउंट स्टार से क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज काउंट हो जाती हैं
जिनमें वैल्यू ऑर्डर आईडी 1004 लिखी हुई है। इसको अगर मैं रन करके देखते हैं, पहले मैं देखता हूँ कि इसमें पहले ये वाली मैं दो स्टेटमेंट ऊपर वाली एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट ऑर्डर लाइन फ्रॉम, अच्छा अब ये इसका तो ये स्टेटमेंट मैं पहले देखता हूँ कि पूरे टेबल में पड़ा हुआ क्या है। तो इमेज नजर आ रहा है, बहुत सारी ऑर्डर आईडी हैं, तीन और 101 पड़े हुए हैं, इस 106 की 6 पड़ी हुई हैं और 104 के 2 पड़ी हुई हैं ऑर्डर आईडी। तो बेसिकली क्या क्या मैं रहा हूँ कि मुझे ये पता चले कि ऑर्डर आईडी 104 की रोज काउंट करनी है मैंने, इसलिए मैंने काउंट स्टार यूज किया है। I want to count the rows of order ID 1004. यहाँ पे कितनी नज़र आ रही हैं, दो नज़र आ रही हैं आपको। अब जब मैं इसे select करके execute करूँगा तो I'll get the answer too. तो count star का मतलब है it counts number of rows or according to certain criteria. वो भी use कर सकते हैं, नीचे आ रहा है, उससे क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है सेंटेक्स में। काउंट कॉलम नेम रिटर्न्स द काउंट ऑफ नॉन नल वैल्यूज गिवन इन द कॉलम। तो अब कॉलम का नाम डालेंगे तो फिर कॉलम काउंट तो करेगा वो, लेकिन नॉन नल वैल्यूज को काउंट करेगा, रोज सारी काउंट नहीं करेगा, जिनमें कॉलम नेम की जो वैल्यूज जो नॉन नल है उनको काउंट करके बता देगा नल वैल्यूज की तरह। तो एग्जैक्टली अपने नल वैल्यूज नॉन नल वैल्यूज पूरी काउंट करनी है और इसका मतलब नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है आपने, तो फिर आप स्टेरिक यूज करते हैं। अगर किसी कॉलम नेम डालेंगे काउंट के अंदर तो फिर वो उसके अंदर जो नॉन नल वैल्यूज है वो काउंट करके बता देगा। ये डिफरेंस है काउंट स्टेरिक में और काउंट विद सम पर्टिकुलर कॉलम नेम। अच्छा जी, मिनिमम फंक्शन की एग्जांपल देखें। Alphabetically, what is the first product name in the product table? अब string पे अगर minimum function apply करें तो क्या होता है? Minimum string कौन सी होती है? और maximum string कौन सी होती है? Alphabetic order में आ जाएगा और उसके बाद जो alphabetical order में सबसे ऊपर है that will be minimum. वो अगर आपने उसकी डेटाबेस की सेटिंग में वो जब कल मैंने डाला था ना एक्सप्लोर करें नेट से, उसमें सेटिंग में आपने बताना होता है कि इसमें केस सेंसिटिव सर्च करनी है, वो आपके अपने अख्तियार में होता है आपने उसको सेटिंग क्या करनी है। हाँ नंबर आ रहा है ना यहाँ पे, तो एक्चुअली एस की वैल्यू पे एक्चुअली ना कन्वर्ट कर देता है, एस की वैल्यू पे कन्वर्ट कर देता है, जो लोएस्ट एस की वैल्यू होगी वो ऊपर होगी असेंडिंग ऑर्डर में,
और हाईएस्ट वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये आपका जो न्यूमेरिक होते हैं इनकी एस्की नंबर अर्ली आते हैं, तो इसलिए ये न्यूमेरिक के साथ जो स्ट्रिंग है ना वो ऊपर अक्सर ही आ जाएगी। एट पे लिखा हुआ ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, लेकिन न्यूमेरिक नंबर के साथ उसकी वैल्यू जो ऊपर आ रही होती है तो ये न्यूमेरिक वाली स्ट्रिंग मिनिमम उससे निकाल के देती है। तो बाकी इंटीजर फ्लोट के साथ तो आपको पता है मिनिमम मैक्सिमम का क्या कॉन्सेप्ट है। यूजिंग वाइल्ड कार्ड स्टेरिक यहाँ पे आ गया। स्टेरिक का क्या मतलब होता है कल बताया था मैंने, और सारे सारे कॉलम अपने रिटर्न करने तो स्टेरिक यूज कर लें, सारे कॉलम पूरे के कॉलम का नाम एक्सप्लिसिटली डालना नहीं पड़ेगा। वाइल्ड कार्ड में आल्सो बी यूज इन द वेयर क्लॉज when an exact match is not possible. अच्छा जी, अब एक ये परसेंटेज का सिंबल नजर आ रहा है आपको, परसेंटेज का सिंबल ये नजर आ रहा है कि पूरी स्ट्रिंग है उसके अंदर कहीं भी डेस्क लिखा हुआ है, लेफ्ट पे भी या राइट पे भी, दरमियान में कि डेस्क लिखा है, लेफ्ट पे भी कुछ हो सकता है राइट पे भी कुछ हो सकता है। तो आप किस्सा की लाइक कीवर्ड के साथ आप डेस्क की सर्च लगा सकते हैं कि कहीं भी स्ट्रिंग में डेस्क लिखा है तो वो रो रिटर्न हो जाए। एक ये वाला आपको अच्छी नजर आ गई। एक अंडरस्कोर का सेंटेक्स है, अंडरस्कोर इज यूज एज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर टू रिप्रेजेंट एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। तो लाइक अंडरस्कोर ड्रॉ करेंगे तो जितने भी ड्रॉर वाले टर्म्स होंगी और साथ कोई एक चीज जुड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल 3- ड्रॉर हो सकता है, 5- ड्रॉर हो सकता है, 8- ड्रॉर हो सकता है, तो कोई एक कैरेक्टर अगर उसके साथ लगा हुआ है तो वो रिटर्न हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल देखें आप, परसेंटेज यूज हो रहा है फर्नी, हमने लिखा है बीच में फर्नी, तो फील्ड है हमारी कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम में जहाँ भी फर्नी आ रहा है पूरी स्ट्रिंग में वो सारी रोज उठ गई हैं, वो आपको रिटर्न हो गई हैं। ठीक है जी, फिर अंडरस्कोर वाली एग्जांपल देखें, अंडरस्कोर फर्नी एफ निकाल दिया, यू आर एन आई फर्नीचर और आगे हमने परसेंट डाल दिया, तो फर्नीचर के बाद कुछ भी हो सकता है, तो ये फर्नीचर गैलरी एक रिटर्न हो रहा है, इसमें एक एफ लिखा हुआ है पहले, अगर पहले कुछ दो चीज़ें लिखी होती तो फिर ये रिटर्न ना होता, एफ लिखा हुआ एक चीज़ है तो वो पूरी रिटर्न हो गई है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्कोर, तो दो करेक्टर हो जाएंगे, दो कंडर मतलब दो करेक्टर जो भी कुछ भी हो सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है डेट डेटा टाइप की फील्ड हो सकती है, जैसे ये डेट डेटा टाइप है तो आपने ऑर्डर डेट इज ग्रेटर देन, आपने सिंगल कोट में डाला हुआ है 24 अक्टूबर 2010, तो आप देखें ये 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 नवंबर, तो जो 24 अक्टूबर से पहले की डेट्स हैं वो वाली रोज रिटर्न हो गई हैं। तो डेट डेटा टाइप बहुत एक्सटेंसिवली यूज होती है डेटाबेसिस में, तो आप इसलिए डेट डेटा टाइप अवेलेबल है इसके अंदर। सो दिस फिनिशेस यस्टरडेज लेक्चर। अभी हम कितने बजे तक आए, टाइम हो गया है 10-1 मिनट होंगे, नहीं नहीं अभी प्लान टाइम क्या, आपकी हमदर्दियां अपने क्लास फेलोज के साथ है, मेरी भी हमदर्दी है आपके क्लास फेलोज के साथ है, फिक्र ना करें। थोड़ी सी एग्जांपल्स और डिस्कस कर लेते हैं जितना टाइम है हमारे पास, टाइम कितना है, तक 20 मिनट पड़े हुए ना, 20 हम थोड़ी सी ब्रेक लगा लेते हैं, गपशप लगा लें फिर आगे चलते हैं, लेकिन 20 मिनट पड़े हैं
अटेंडेंस की, अटेंडेंस लगाने की कोशिश करते हैं। चले ब्रेक भी हो जाएगी। यानी क्या चक्कर है, खुलता नहीं है आजकल। जी खुल गया, मुबारक हो। चलें सब की लगा दी है। सर आप बहुत अच्छे आदमी हैं। जेन्युइन काम पे गए हुए ना लोग। यस सर, अजम्पशन यही है मेरी। लेकिन कल फिर फ्राइडे के बाद फिर क्लास लेनी पड़ेगी। तैयार है? ये वीक में कंप्लीट कर रहा हूँ। कल फ्राइडे के बाद फिर तैयार रहे। चलें जी, कंपैरिजन ऑपरेटर हम इसके एग्जांपल देखते हैं। व्हाट फर्नीचर डज पाइन वैली कैरी That is not made of product finish cherry. लिखे हैं अपनी कॉपी पे SQL statement. ये टेबल आपका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको? SQL statement क्या होगी? लिखे जरा कॉपी पे। We can have it a quiz as well. ये quiz भी हो सकता है। स्टेटमेंट लिखें जरा अपनी कॉपी पे, फिर कंपेयर करेंगे। ऐसे ही कुछ आएगा आप लोगों का। फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस कर लें, प्रैक्टिस कर लें। लिखें जरा स्टेटमेंट क्या बनती है आपकी। हाँ जी, बोर्ड पे आके कौन लिखेगा? बोर्ड पे आके आई इधर पे। इट्स नॉट क्या हो सकता है। देखते हैं।
अगली बारी पीछे से बुलाऊंगा किसी को, चार में से कोई एक आएगा। लेट्स सी ठीक है कि नहीं ठीक, ऐसे ही लिखा है, कोई डिफरेंस है? इज नॉट प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स चेंज, नहीं नॉट उधर नहीं आएगा, आएगा तो फिर इधर आएगा। नॉट कीवर्ड फिर अगर आएगा ना, मुझे कंफर्म नहीं है। नॉट के साथ नॉट लाइक होता है, इज इक्वल टू के साथ नॉट नहीं लगा सकते। ये अब नल वैल्यू, नल वैल्यू बड़ी क्रिटिकल होती है डेटाबेस में। आपने प्रोग्रामिंग में नल एडेंस किए कि आपने एक डेटाबेस में नल को बड़ी करती है, बहुत बड़ी करती है, क्योंकि कहीं आपने डेटा एंटर नहीं किया होता, कहीं पे डेटा आपने एक स्पेस डाली हुई होती, कहीं दो स्पेसेस डाली हुई होती, ठीक है, कहीं पे वो आपको लग रहा है कि पता नहीं स्पेस है या नल है। तो नल इज समथिंग डिफरेंट एंड हैविंग सम स्पेस इज समथिंग डिफरेंट इन डेटाबेस। तो नल के लिए जब नल चेक करना होता है कि नल में कोई है कि नहीं है, है तो डिस्प्ले करें, तो इज नल इज नॉट नल यूज करें, इज इक्वल टू नल नहीं चलता डेटाबेस में, और अगर चले भी तो हम उसे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। इसलिए रिकमेंडेड होता है कि जब नल चेक लगाना है आपने, नल पे तो वैल्यू रीच करवानी है, तो इस नल के नॉट नल यूज करें। देखिए नल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स फ्रॉम होम वी डू नॉट नो देयर पोस्टल कोड। नल के साथ आता है जीरो, यहाँ पे जो मैंने अल्टरनेट सेंटेंस सब बताया आपने, ये वाला मैंने बताया तो ये वाला, और एक स्ट्रिंग के साथ एक और सेंटेंस चलता है दैट इज नॉट लाइक, लाइक के साथ नॉट लाइक चल सकता है, स्टेटमेंट के साथ नॉट नहीं चलेगा। तो ये देखिए हम ये जा रहे हैं कि एसटी का पोस्टल कोड नहीं हमने इंक्लूड डाला नहीं है, वो डेटा रो रिट्रीव हो जाए, वी आर यूजिंग इस नल, कस्टमर पोस्टल कोड इज अप इक्वल टू साइनिंग किया। In order to check non-empty values, we will use is not null. अगर आप ये use करते हैं equal to null, is not equal to null, it may give you incorrect results. अगर error नहीं देगा तो incorrect result देगा। इस तरीके से आप logical operator use कर सकते हैं and or not. For example, query है हमारी list product name, finish and standard price for all the desks and all tables that cost more than $300 in the product table. हाँ जी, इसकी क्या एग्जांपल बनेगी SQL? चेक करें जरा, ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लिस्ट प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट नेम आ गई आपकी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कॉलम नेम है फिनिश, प्रोडक्ट फिनिश, स्टैंडर्ड प्राइस, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस आ गया, तीन कॉलम डिस्प्ले होंगे हमारे,
फ्रॉम प्रोडक्ट ही टेबल आ गया, वेयर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज लाइक डेस्क, तो हर वो डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर डेस्क आ रहा है, तो हमने ये क्वेश्चन मार्क के साथ परसेंट साइन के साथ डेस्क यूज किया है, हर वो डिस्क्रिप्शन जिसमें टेबल आ रहा है, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम लाइक, इसमें देखें लाइक कीवर्ड यूज हो रहा है, परसेंट टेबल, डेस्क वाली डिस्क्रिप्शन भी रिटर्न हो, टेबल वाली भी रिटर्न हो, एंड द कॉस्ट मोर देन 300, और वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस जिसकी कॉस्ट 300 से ज्यादा है वो रिटर्न हो सिर्फ, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द टेबल। अब ये बताएं कि इज दिस रिजल्ट करेक्ट, आखिरी चार रो, आखिरी रो वाले चार रिजल्ट ठीक आ रहे हैं नहीं आ रहा, गौर करें, ग्लासेस उतार के देख लें, अगर ग्लासेस के साथ नजर नहीं आता आपको, रिजल्ट ठीक आ रहा है, गौर करें, एक्सेल स्टेटमेंट देखें और रिजल्ट देखें, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 300, लास्ट वाला आ गया है, ठीक है, तो रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा हमारा, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा हमारा, इसमें देखें और स्टेटमेंट यूज हो रही है और एंड स्टेटमेंट यूज हो रही है, लेकिन रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा हमारा, क्या वजह हो सकती है, एंड को प्रायोरिटी दी हो, यस, एंड की जो प्रायोरिटी है वो प्रीसीडेंस और से ज्यादा है, तो हो क्या रहा है कि ये पहले प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस के लगाए थे एंड हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो वैल्यूज टेबल वाली वैल्यूज जो 300 से ज्यादा वो रिटर्न हो रही है, अब वो जो पूरा सेट बन गया सब सेट वो फिर और हो रहा है उन वैल्यू के साथ जो के बेस्ट वाली वैल्यू है, तो एक बेस्ट वाली वैल्यू जो है वो 250 वाली वैल्यू वो भी रिटर्न हो गई है, इसका सोल्यूशन क्या है, कंडीशंस में प्रॉपरली यूज करना जरूरी होता है। यूजिंग रेंजेस ऑफ क्वालिफिकेशंस, क्यूरी पढ़े जरा, क्यूरी विच प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट टेबल हैव स्टैंडर्ड प्राइस बिटवीन 200 एंड 300, कैसी कंडीशन बनेगी इसकी, वेयर क्लॉज किस तरह बनेगी, कौन लिखेगा आगे, वेयर क्लॉज जब लिखा है, वेयर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस पे लगाना है ना, वेयर क्लॉज, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्राइस का कॉलम नजर आ रहा है, इस पे लगानी है वेयर क्लॉज, ठीक है वो कर जो भी है वो, वेयर क्लॉज लिखे, वेयर क्लॉज छोड़ें, और
ठीक है जी, हाँ जी, ठीक लग रहे हैं? अच्छा, क्या गलती है? ग्रेटर देन 203, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें आप, कंपेयर करें रहे सॉल्यूशन से, बिटवीन लिखा है ना हमने, तो 200 और 300 इंक्लूड होगा। बहरहाल अच्छा जी, लेकिन ये इतना मुश्किल सेंटेंस लिखने का वजह है, इसकी वजह हमें एक और कमांड मिलती है एक्टिव कॉन्ट बिटवीन, तो हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं अपनी वेयर क्लॉज को, बिटवीन 200 एंड 300। डिस्टिंक्ट सुना हुआ टर्म, की टर्म डिस्टिंक्ट क्या करती है? डुप्लीकेट रिमूव करती है डिस्टिंक्ट। तो अगर आप देखते हैं रिजल्ट आपका आ रहा है उसमें डुप्लीकेट्स हैं और आप निकालना चाहते हैं, तो यू कैन यूज डिस्टिंक्ट क्लॉज विद सेलेक्ट। तो सेलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट यूज करेंगे तो ओनली वन वैल्यू विल बी रिटर्न। अगर मल्टीपल डुप्लीकेट्स हैं तो डुप्लीकेट अगर चार वैल्यू है तो एक आएगी, तो ऑल द डुप्लीकेट्स विल बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे ये हमने ऑर्डर आईडी को रिटर्न करवाया तो सारी कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। अदरवाइज अगर आप डिस्टिंक्ट नहीं लगाएंगे तो आपको नजर आएगा काफी सारी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। आई कैन शो यू, बस करने लगा हूँ क्लोज यार, लास्ट है ये। ये मैं डिस्टिंक्ट, ये पहली मैं डिस्टिंक्ट निकाल रहा हूं, मैं आई एम एग्जीक्यूटिंग इट। आपको नजर आएगा 101 की तीन है, 104 की तीन वैल्यूज हैं, ये क्योंकि ये वो मैनी टू मैनी वाला टेबल है, और नीचे वाली जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इट दिस विल बी ओनली डिस्टिंक्ट, नो डुप्लीकेट्स। ओके, सो वी एंड हियर। जुम्मे के बाद एक क्लास लूंगा मैं, जुम्मे से पहले है क्लास, ट्यूसडे को स्लॉट है, ट्यूसडे ए वन पीरियड होगा तो एक कवर हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगता है यार,